बर्तन लीजिए, अभी इसमें प्याज डालिए, हरी मिर्च डालिए, नमक डालिए, अच्छे से इसको हिलाइए। इस तरह से इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। देखिए प्याज से पानी निकल रहा है, अभी इसमें अजवाइन डालिए, अजवाइन अच्छे से लीजिए, थोड़ा सा खाने का सोडा, फिर इसके अंदर बेसन डालिए, पानी डालिए, धीरे धीरे इस तरह से मिक्स कीजिए। अभी इसको अच्छे तरह से इस तरह से फेंट लीजिए। देखिए मैंने बेसन का बैटर बनाया, थोड़ा थिक बनाया, ये हो गया बैटर रेडी हो गया। अभी गैस ओवन चालू कीजिए, उसके ऊपर कढ़ाई रखिए, कढ़ाई को अच्छे तरह से गर्म कीजिए। कढ़ाई गर्म हो गया, अभी इसमें सरसों का तेल डालिए, डीप फ्राई होगा इसीलिए थोड़ा ज़्यादा तेल डालिए। मैंने हाई फ्लेम में तेल को गर्म कर लिया, अभी फ्लेम को कम कर दीजिए, तेल को अच्छे से हिलाइए। अभी इसमें एक चम्मच लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर बैटर छोड़िए, इस तरह से। अब जैसा मन चाहे ऐसा ही बना सकता है, इसका कोई शेप नहीं है, जिस तरह से चाहे आप छोड़ सकते हैं। अभी इसको धीरे धीरे हिलाइए, दोनों साइड इसका ब्राउन होने दीजिए। देखिए ब्राउन हो गया, अभी इसको तेल के भीतर से बाहर निकाल लीजिए। देखिए पकौड़ा कितना सॉफ्ट बना है, तोड़ के देखिए अंदर भी पूरा पक गया। टुडेज रेसिपी बेसन पकौड़ा इज रेडी। Oh, 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 oh